में चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके द्वारा चोरी किए गए 6.5 लाख मूल्य की सोने की जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। ज्ञात हो कि 23 जनवरी को डोंबिवली के मिलाप नगर में प्रशांत शंकर सिन्हा का बंगला है। 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच घर बंद कर सह परिवार बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके बंगले का दरवाजा तोड़कर घर में से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। इस बाबत प्रशांत ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया था। मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस के गुप्तचरों ने दिवा गांव निवासी राम मंजू गुप्ता 35 पर चोरी किए जाने का संदेह जताया था, जिसके आधार पर मानपाड़ा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन काब्दुले उनके दस्ते ने गत 12 जुलाई को उक्त परिसर में जाल बिछाकर आरोपी राम को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी ने बताया कि अब तक उसने 13 चोरियों को अंजाम दिया है। साथ ही उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसने चोरी का माल कहां छुपा रखा है। आरोपी राम से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उक्त स्थल से 6,50,000 मूल्य के सोने का चोरी किया गया आभूषण बरामद कर लिया है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री काब्दुले और उनकी टीम, जिसमें पीआई देशमुख, पीएसआई मोरे, डिटेक्शन ब्रांच का स्टाफ, इन्होंने मिलाप नगर परिसर में जो घरफोड़ी की घटनाएं घटती थी लास्ट 2-3 महीने में, उसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया है जिसका नाम है राम गुप्ता। ये रहता है दिवा परिसर में और इसको अरेस्ट करके उसके पास से 13 ऑफेंसेस ऑफ हाउस ब्रेकिंग हैव बीन डिटेक्टेड। प्रॉपर्टी वर्थ 6,50,000 हैव बीन